आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी, रोज उठती, घर का जल्दी जल्दी काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी, पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी, ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना, ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में जाड़ झंझाड़ते जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो नणंद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए, ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ झंझाड़ तोड़ दिए, जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता का स्थान उठा दिया। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी नणंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसका नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, सात कंकर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहकर वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी सुनी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की सात पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। सात पत्तियाँ लेकर वो भाई के घर आई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश सामने रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियाँ घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन बहुत गहरी नींद आई है। बहन बोली कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आवे। भैया, तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाभी बोली, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता तो साफ किया पर वहाँ से भगवान का स्थान भी उठा दिया। मैं जब आई हूँ तो उन्हें वापस ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की सुनना, सभी को अमर सुहाग देना, सभी को अमर पीहर वासा देना। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।